सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की। ये खबर बात करेंगे सतिंदर सिंह जी से, जो बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके अत्याचार से ये काफी आहत हैं। सर, आखिरकार हम बांग्लादेश पर कैसे प्रभाव बनाएंगे देश के अंदर ही सब कुछ करके, क्योंकि अंततः बांग्लादेश लात की बात मानता है, बात की बात तो सुनेगा नहीं। तो यही आज हमारा निवेदन है भारत सरकार से भी, इसको बांग्लादेश में जो हो रहा है और पूरे वर्ल्ड के नेताओं को है भी उस पर ध्यान अपने ध्यान में ले, और वहाँ पे जो जो करना कर सकते हैं, अगर वहाँ से हिंदुओं को सेफ्टी से निकालना वो भी निकाले, जैसे अपने अभिनंदन को निकाला था पाकिस्तान में, उस तरह से हिंदुओं की सेवा बचाने के लिए जो भी काम कर सकते हैं वो अपनी सरकार को तुरंत करने चाहिए। इसमें कई मोर्चे पे काम चल रहा है, जिस तरह से अमेरिका का भी इसमें हाथ बताया जाता है कि बांग्लादेश में जो ये सब चल रहा है अल्पसंख्यकों के खिलाफ, अमेरिका का भी बहुत बड़ा रोल माना जाता है, इस पर आप क्या समझते हैं, अमेरिका पर कैसे हम प्रभाव या दबाव बना सकते हैं? सबसे पहले तो जो इंडिया जब खड़ा हुआ, आज इंडिया जो है ना पांचवी सुपर पावर बन रहा हुआ है, तो वो ये अमेरिका को भी कह सकता है, सबको कह सकता है। और सबसे बड़ी बात है, हमने किसी को कहने के बजाय कहेंगे भी, और हमारे को हिंदुओं से मतलब है, जो हमारे से काटे जा रहे हैं मारे जा रहे हैं उनको बचाना है, ह्यूमन राइट्स के लिए भी और हमारी ड्यूटी भी है। दूसरी तरफ में आप देख रहे होंगे कि इसका फायदा पाकिस्तान भी उठा रहा है, वहाँ पे कई तरह की चीज़ें भेजी जा रही है, और हमें लग रहा है, सभी को आशंका है कि शायद आतंकवादी गतिविधियाँ वहाँ पे बांग्लादेश में बढ़ सकती है, जिसका असर भारत के बॉर्डर पे और भारत में भी पड़ सकता है। तो सब चीज़ों को निपटना पड़ेगा, हमें एक एक आतंकवादी को पकड़ना और उनको मारना है, ये भारत सरकार को करना पड़ेगा हर मोर्चे पे। हमको लगता है भारत को कई मोर्चों पे लड़ाई लड़ने की जरूरत है, कैसे संभव है, क्योंकि आक्रोश तो हम सिर्फ यहाँ जता रहे हैं, बॉर्डर पे काम बॉर्डर का हो सकता है, जो सरकार का है जो काम सरकार का है वो सरकार ने करना है, लोग इसी करके इकट्ठे हुए हैं भी सरकार तुरंत कार्रवाई करे, इस कारण से हम लोग इकट्ठे हुए हैं, हमें भी पता भी जो काम करना सरकार ने करना है और सरकार के द्वारा ही काम होना है, और इस कारण लोग जागृत है, हिंदू समाज इकट्ठा हुआ है, सिख समाज इकट्ठा हुआ है, ताकि सरकार के ऊपर एकदम प्रेशर पड़े और बांग्लादेश के ऊपर तुरंत कार्रवाई करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। थैंक यू भाई, शुक्रिया, सत श्री अकाल। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।